नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना शहर के 3 वार्ड के पार्षदों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। विशाल खबर ने पहले कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष मकसूद अहमद से बात की कि आखिरकार आपकी पार्टी के 3 पार्षद टूटकर चले गए, इसकी वजह क्या थी। इस संबंध में मकसूद अहमद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रलोभन देकर हमारे पार्षदों को तोड़ दिया। इसके बाद विशाल खबर ने महापौर योगेश ताम्रकार से सवाल दागा कि आखिरकार आपके ऊपर कांग्रेस के लोग इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के पार्षदों को खरीद दिया। शहर के महापौर योगेश ताम्रकार ने इस बात को सिरे से नकार दिया और उन्होंने कहा कि तीनों भारतीय जनता पार्टी की रीतनीति से प्रभावित होकर के आए हैं और हमारे काम से प्रभावित होकर आए हैं, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों में कोई भेदभाव नहीं किया। इस बात से प्रभावित होकर तीनों पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इसके बाद विशाल खबर ने तीनों पार्षदों के पास पहुंचने का प्रयास किया, जिसमें वार्ड नंबर 27 के पार्षद राजेश सूर्यवंशी ने तो विशाल खबर से बातचीत की, लेकिन दो अन्य पार्षदों ने अपना मोबाइल फोन ही बंद कर लिया। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह बात तो वही दो पार्षद बता सकते हैं जिन्होंने विशाल खबर से बातचीत करने पर अपना फोन बंद कर लिया। जब विशाल खबर ने राजेश सूर्यवंशी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं विकास की डील पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के सामने एक शर्त रखी थी कि मेरे वार्ड का पर्याप्त विकास हो। इसके अलावा राजेश सूर्यवंशी ने कहा कि कुछ सामंतवादी सोच के लोग नगर निगम में अधिकारी पद पर बैठे हैं और वह हमारी फाइल रोकते थे। वह एक पार्षद या चुने हुए जनप्रतिनिधि से कैसा बर्ताव करना चाहिए, वह ऐसा नहीं करते थे। हालांकि राजेश सूर्यवंशी ने उन अधिकारियों का नाम तो नहीं बताया, लेकिन उनके मन की पीड़ा उनके जुबान पर आ गई। आइए सुनते हैं वार्ड नंबर 27 के पूर्व कांग्रेसी पार्षद जो भाजपाई हो चुके हैं, उन्होंने विशाल खबर के संवाददाता से बातचीत के दौरान क्या कहा। यहां पर यह बताना जरूरी है कि वर्षों से कांग्रेसी रहे राजेश सूर्यवंशी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आए वैसे ही उनने भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं जैसा अभिवादन शुरू कर दिया है। विशाल खबर के संवाददाता से जब बातचीत शुरू की तो उन्होंने सबसे पहले जय श्री राम कहा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ता करते हैं। आइए सुनते हैं राजेश सूर्यवंशी की जुबानी। वार्ड नंबर 27 के पार्षद राजेश सूर्यवंशी जी हैं और कुछ दिन पहले वो कांग्रेसी कहलाते थे और कांग्रेस से पार्षद थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कहलाने लगे। सीधे हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आइए सीधे बात करते हैं। नमस्कार पार्षद जी। नमस्कार। आप बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम। आप ये बताएं कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हो गए। हमारा कोई कांग्रेस छोड़ने का कोई इरादा नहीं था और न ही ऐसा मैंने कभी सोचा था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बदली कि मुझे निर्णय स्वयं करने, कोई मेरे पर कोई दबाव नहीं था, ना कोई राजनीतिक दबाव था, ना ही कोई कि ऐसा था कि नहीं अगर आप भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे तो ऐसा काम नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ भाजपा की नीतियाँ, मोदी जी की नीतियाँ, प्रदेश सरकार की नीतियाँ और ज़िले के लोकसभा सांसद जी की लोकप्रियता और मैंने सतना के जो महापौर जी हैं उनके जो कार्य करने की जो शैली है, सभी किसी भी दल का पार्षद हो वो सबको सम्मान करते हैं, उन्हीं से प्रभावित होकर मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हूँ। अभी आपने कहा कि कुछ समस्याएं थी जिसकी वजह से आपने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी, क्या कुछ समस्या? हाँ, वार्ड की समस्या थी। ये देखिए क्या है कि हमारे वार्ड की जनता ने हमें दोबारा निर्वाचित किया और उस ढंग से कुछ काम हमारे नहीं हो पा रहे थे, जिससे हम कभी चिंतित रहते थे क्योंकि भाई अगर हम जनता ने मुझे चुना है तो कुछ काम करने के लिए चुना, अगर हम उस काम पे नहीं कर पा रहे तो मुझे भी अपने आप को फील लगती थी कि यार मैं काम नहीं करा पा रहा हूँ। जनता की तो उम्मीद रहे कि हमारे अच्छा काम हो, लोगों का काम हो, जन कल्याण योजना को लाभ मिले, रोड नाली बने, तो कुछ समस्या आ रही थी। तो आप कांग्रेस के पार्षद थे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं थे, कांग्रेस के पार्षद नगर निगम में जाते थे, तो क्या वहाँ भेदभाव होता था क्या कि आप कांग्रेस के पार्षद बीजेपी के, तो आप नहीं भेदभाव देखिए कोई काम बोलते थे नहीं, सुने महापौर जी के नज़रों में कोई भेदभाव नहीं था, आज भी नहीं हो रहा ना ऐसा हुआ, लेकिन कुछ वहाँ के जो सामंतशाही सोच के जो अधिकारी बैठे हैं, ये सच्चाई कि हम लोग साथ जातिवाद का शिकार हम लोग होते थे, क्योंकि मैं देखता थे कि जहाँ बड़े लोग जात के लोग पार्षद वहाँ अच्छे काम हो रहे हैं और हमारे जो
छोटे समाज वर्ग के लोगों के साथ उनकी फाइलें रोक दी जाती थी, और हमने ये संबंधित बड़े अधिकारियों से भी कई बार इस चीज़ को शिकायत भी किया, लेकिन कोई भी उसका मतलब सही जवाब नहीं मिल पाता था। उसमें भी थोड़ा मैं दुखी रहता था। तो क्या हम लोग को छोटी समाज पैदा होना हम लोग के लिए अभिशाप है? तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। तो अभी भी भेदभाव नगर निगम में जाति को लेकर होता है क्या? जातिवाद तो देखिए हर जगह हो रहा है, जातिवाद जो नगर निगम बस में नहीं हो रहा, जी जी हर जगह हो रहा है। आप जैसे आपने कहा कि हम समाज से आते हैं, हाँ, है ना, और वहाँ ऊँची जात के लोग हैं, तो आप पार्षद बनने के बाद भी आपको इस तरीके का लग रहा कि हम कुछ लोगों में सब बाकी अधिकारी अच्छे हैं, आप सुनते हैं, पहले भी हमारे सुनते थे व्यक्तिगत व्यवहार से, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों में मेंटेलिटी आज भी है, ये सच्चाई है। अब चूंकि हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं मीडिया के माध्यम से, और हो गया शायद कि कुछ सुधार में आए। अब आप भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो गए हैं, अब अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं, तो क्या पहले कांग्रेस पार्षद थे आप, अब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो गए हैं, क्या फ़र्क समझ में आता है आपको? आपकी वहाँ फ़ोन पर बात सुनी जा रही है? अब ये है कि अधिकारी जो जिस तरह पहले सोचते वो अभी उसी तरह है, लेकिन कुछ अधिकारी जो है 90% अधिकारी जो हमारे पहले भी अच्छे संबंध थे और हमारे अधिकारी सहयोग करते थे, अभी कुछ हैं जो बैठे हुए लोग हैं जो थोड़ा अभी भी उनके अंदर मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई है, अभी भी नहीं हुई है। लेकिन माननीय महापौर जी का और श्रीमान कमिश्नर साहब को पूरा सहयोग हमारे ऊपर, और जो भी कभी भी कोई ऐसे बात रखते तो हमारी बात को महत्व देते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारे पार्षदों को खरीद लिया गया है, हमारे पार्षदों को लालच दिया गया है, तो इस सवाल पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस तो कहेगी भाई 28 विधायक जब बिके शिवराज जी के राज कार्यकाल में, उस समय भी आरोप लगाया था कांग्रेस के विधायक खरीदे गए बिके गए, लेकिन जनता ने उन्हें पुनः चुनाव जनादेश दिया, अगर बिके होते तो जनता उनके साथ नहीं थी, ठीक। और रही बात ये जो आरोप लग रहा है ये निराधार है, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई किसी का पैसा, कोई डील आपके साथ, कोई डीलिंग नहीं, कोई बात आई कि आप लोग कहने से दो लोग वहाँ पे नौकरी दिया, नौकरियों में रखा गया, ऐसा कोई आपने वहाँ पे किसी ये हमारे द्वारा नहीं किया गया था, हमारे एक पार्षद साथी है और उन्होंने बोला था कि कुछ लोगों का हमारे द्वारा कुछ भला हो जाए हमारे लोगों का, तो माननीय जी बोले हैं कि ठीक है जो भी होगा देख लेंगे, और महापौर जी भी कोई दबाव नहीं था, ये सच्चाई कटु सत्य है, कोई दबाव नहीं था। उन्होंने डील हुई आप लोगों भारतीय जनता पार्टी और आपके बीच में? मेरे वार्ड का विकास जो डील हुई है, हाँ, बस मेरा एक ही था कि मेरे वार्ड का विकास होना चाहिए, था हो रहा था हमारे यहाँ 80% विकास हो चुके, मेरा दूसरी पंचवर्षीय है, मेरे यहाँ 80% विकास हो चुका, 15-20% और बचा है जो संभवता कि होगा, और बड़े बड़े काम हमारे यहाँ पहले हो चुके थे, मंगल भवन 3000 स्क्वायर फीट में 30 लाख की लागत से 2019 में मेरे द्वारा उसको निर्माण कराया गया था, इसके बाद 2 किलोमीटर का नाला निर्माण हुआ, 384 शौचालय बनवाई गई, और 4.5 किलोमीटर की रोड बनाई गई, और 1.5-2 किलोमीटर की ब्लॉक पेवर्स ब्लॉक लगाए गए, और ऐसे 400-500 लगभग ऐसी ऐसी नालियों निर्माण हुआ जो 40-50 साल से नाली है ही नहीं थी वहाँ, और अभी हमारे यहाँ काफ़ी पैसा पास हुआ है वार्डों में, जहाँ जहाँ छोटी गलियाँ वहाँ रोडे ब्लॉक फेवर्स नालियों का नाली का वार्ड के लिए अभी मेरे पास पैसा आया है, हो सकता है बरसात के बाद हमारे यहाँ अच्छे काम होंगे। और वजन अभी जैसे आप पार्षद थे जी, 2 साल 2 वर्ष लगभग हो रहे जी जी जी, तो उतना विकास आपके वार्ड में नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से आपकी वहाँ सुनी नहीं जा रही थी, तो आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आपका कहना ये है कि हमारे वार्ड का विकास रुका हुआ था, हम भाजपा ही कुछ, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है कि हमारे काम रोक दिए जाते थे, ये सच्चाई है, और क्योंकि देखिए जनता के नज़रों से थोड़ा मैं ये हो रहा था कि पार्षद जी हमारे यहाँ की नाली नहीं बनवा पा रहे ये हो, तो हमको जब मुझे अपने आप को लगता था, और अब सभी सहयोग कर रहे हैं जनता के बीच, जब जाते हैं आप उसमें जाते रहे, अब जनता आपसे क्या बोल रही है? जनता बोल रही कि हम राजेश सूर्यवंशी को जानते हैं, हम राजेश सूर्यवंशी के साथ थे, हम जब कांग्रेस चुनाव लड़ते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे हमारे वार्ड के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझे वोट देते थे, तो मुझे भारतीय जनता में कांग्रेस के लोग भी मेरे साथ हैं। राजेश सूर्यवंशी
वो वोट देने के लिए तैयार है, जनता मेरे साथ है। ये मेरा व्यक्तिगत लोगों से व्यवहार, व्यक्तिगत व्यवहार है, ना कि कोई दबाव है। बोले हमको राजेश सूर्यवंशी से मतलब है, वो किसी दल में रहे, हम उनके साथ। जो कारण क्या है, जो हमारे यहाँ का जो दबा कुचला समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, वो मेरे साथ नहीं हो सकते। पहले भी नहीं थे ना आज हैं लोग। जो यहाँ का गरीब तबका हमारे यहाँ 80% वो मेरे साथ, कल भी था और आज भी और रहेगा मेरे साथ, क्योंकि हम उनके लिए आधी रात उनके घर पहुँचते, सुख दुख में खड़े होते हैं। मैं खुद एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे पिताजी मजदूरी करते थे और मेरे पास कुछ नहीं। आप मेरा घर जाके देखिए, ये कभी नहीं कहेंगे पार्षद घर ही। आप विकास को लेकर, वार्ड के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, ऐसी आपकी बात हुई है और आपका आपकी नहीं सुनी जाती, तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा इस बात पर? नहीं, ऐसा संभवता है कि ऐसा नहीं होगा। मेरे वार्ड में अच्छे विकास होंगे और मैं इसी शर्तों के साथ गया हूँ कि मेरे वार्ड का विकास होना चाहिए। मेरा नहीं होना चाहिए, मेरे वार्ड का विकास होना चाहिए। मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी में जाना होता तो मैं चुनाव में, मेरे पास ऑफर आए थे, विधानसभा में ऑफर आए थे और मेरा कोई इरादा नहीं था जाने का, लेकिन मैं सतना के महापौर जी से प्रभावित हुआ, ये सच्चाई ये है। और उनका, क्योंकि हमेशा उनका सहयोग रहा, भले मैं विपक्ष में था और वो कहीं भी वो उनके कार्यक्रम में हम लोग अगर सम्मिलित, यही कहते थे हमारे लिए चाहे पक्ष हो जो विपक्ष, हमारे लिए सब बराबर है, हमारे सारे पार्षद हैं। और उनको काफ़ी ऐसा कभी कोई काम हुआ तो हमेशा व्यक्तिगत तौर पर हमारी मदद की है। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी वार्ड की जनता को? मैं वार्ड की जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद सदैव बना रहे, दुआएं आपकी मिलती रहें, बड़े बुजुर्गों की, हम सफ़र छोटे भाइयों की, माताएं बहनों की, कि हम हमेशा इसी तरह सहयोग करते रहें। और मैं आप लोगों से यह उम्मीद रखता हूं कि आगे भी ठीक रहेगा और अच्छा काम होंगे। और आपके, मैं आपका पार्षद नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, और मैं वार्ड का हर संभव कोशिश करूँगा कि वार्ड की सारी समस्याएँ हल हो जाएँ। और मैं वार्ड की जनता से कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम करता हूँ जो भी है, और उम्मीद करता हूँ वो मेरे साथ खड़े रहे। के साथ पूरा परिचय बताया अपना इस बार, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाहेंगे जनता को? मैं राजेश सूर्यवंशी, पार्षद राजेंद्र नगर, और अभी एक हफ्ता पहले मैं अपने स्वयं के निर्णय से, किसी के बगैर दबाव के, मैं सतना से माननीय महापौर जी, शायद अध्यक्ष साहब महोदय के साथ जाकर भोपाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की आवास पे मैंने भारतीय जनता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ली है। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करूँगा और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूँगा। ये थे हमारे साथ राजेश सूर्यवंशी जी, पार्षद वार्ड नंबर 27। इनका साफ कहना है कि हम कांग्रेस के पार्षद थे तो हमारे वार्ड का उतना विकास नहीं हो रहा था जितना वार्ड का विकास होना चाहिए, और अपने वार्ड के विकास को लेकर के हमारे वार्ड में ज़्यादा विकास हो, अच्छा विकास हो, तो जनता हमें फिर एक बार चुने, ऐसा उनका मानना है। और हम, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया कि हम एक छोटी जाति से आते हैं और नगर निगम में भी हमारे साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। इसी सब समस्याओं से तंग आकर उन्होंने भारतीय कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा कि हमारे वार्ड का विकास हो। सतना से वीडियो जर्नलिस्ट महेश गुप्ता के साथ फिरोज खान, विशाल खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।